हेलो एंड व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल। सो भाई, आज का ये वीडियो कोई गेम प्ले वीडियो नहीं रहने वाला, आज का ये वीडियो कुछ खास होने वाला। आज का ये वीडियो रहेगा भाई अपने चैनल का फर्स्ट क्यूएनए और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के जवाब देंगे अपन। तो काफ़ी दिनों पहले भाई मैं एक गेम प्ले में बताया था कि जो जो बंदों के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे मेरे को वो ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में हैशटैग आस्क लिख के भाई बता देना। तो भाई अपन सारे के सारे वो जो वीडियो के कमेंट्स थे उसमें से भाई जो भी मेरे को लगा कि ये भाई कमेंट का मेरे को आंसर देना चाहिए या फिर ये क्वेश्चन का मेरे को आंसर देना चाहिए, तो भाई मैं वो सारे क्वेश्चन उठाया हूँ। और जो जो भी बंदों का क्वेश्चन उठा नहीं पाया, या तो भाई मतलब उसका कुछ मतलब नहीं रहता, या तो फिर मतलब सेम क्वेश्चन रहेंगे तो फिर भी उठाया नहीं रहेगा मैं, तो उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा मैं। और बढ़ते भी अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहता है हमजा गेमर वाइटी की तरफ से। भाई ने अपने को चार क्वेश्चंस पूछे, तो भाई अपन ट्राई करेंगे कि चारों के चार क्वेश्चंस का आंसर दे अपन। सो भाई का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है व्हाट इज़ योर एज। तो भाई अपना जो करंटली एज रनिंग एज चल रहा है वो भाई 19 साल है और 1 जून को अपना बर्थडे आ रहा है, तो उस दिन अपन 20 साल के हो जाएंगे, अपना 19 साल कंप्लीट हो जाएंगे। सो उस दिन आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे भी बर्थडे विश कर सकते हो। तो बढ़ते अभी अपन अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो भाई का सेकंड क्वेश्चन ये कि भाई व्हाट इज़ योर जीएफ नेम। तो भाई मैं एक्सपेक्ट तो यही किया था कि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, क्योंकि ये क्वेश्चन के बिना भाई Q&A है जो कम्प्लीट ही नहीं रहता, क्योंकि भाई जितने भी बंदों का मैं Q&A देखा रहता हूँ उसमें भाई ये क्वेश्चन तो आता ही रहता है, और मोस्टली भाई सभी बंदों के जो भी Q&A रहते हैं उसमें तो ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो भाई अपना आंसर ये कि भाई अपन शुद्ध सिंगल है, अपनी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो इसके आगे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। तो गाइस बंदे का थर्ड क्वेश्चन ये कि भाई तुमने फर्स्ट टाइम कॉन्करर कब किया था। तो भाई मैं फर्स्ट टाइम सीजन 15 में कॉन्करर किया था, उससे पहले भाई कभी मैं कॉन्करर गया ही नहीं, और भाई उससे पहले मैं कभी भी रैंक पुश करता रहता मेरे पे जब लो डिवाइस था, तो भाई मैं कॉन्करर के लिए पुश नहीं करता था, मैं एज के लिए पुशिंग करता था, और इसमें पहुंचने के लिए भाई मैं स्पॉन आइलैंड जाता था, तो भाई मतलब इतना गंदा डिवाइस था मेरे पे। सो बढ़ते अभी अपन अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो भाई का फोर्थ क्वेश्चन ये कि भाई डिड योर पेरेंट्स सपोर्ट्स यू। तो भाई हाँ, मेरे पेरेंट्स अभी मेरे को फुल सपोर्ट करते, पहले नहीं करते थे, बिकॉज आपको इंडियन पेरेंट्स का पता ही है क्या रहता है स्टार्टिंग में सीन। जब तक आप उसको कुछ अर्निंग नहीं दिखाओगे या फिर एक लेवल तक नहीं पहुँचोगे तब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये सबका रहता, सब यूट्यूबर्स का, कुछ का नहीं रहता, लेकिन भाई मोस्टली यूट्यूबर्स का यही सीन रहता है। सो भाई हाँ, मेरे पेरेंट्स अभी मेरे फुल सपोर्ट में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है परफेक्ट गेमर वाइटी की तरफ से, ब्रो यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट किया। तो भाई यूट्यूब जर्नी आज से 3 से 4 साल पहले, जब क्लैश ऑफ क्लैंस सब खेलते रहते थे, जब पबजी नया नया आया था, तो भाई मैं क्लैश ऑफ क्लैन ही तब खेलता रहता था अपने जो पुराना फ़ोन था उसमें, और भाई मैं मतलब सबकी लाइव स्ट्रीम ये वो देखता रहता था, तो मैं तभी सोचा कि चलो मेरे को भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो भाई मैं बस ऐसे ही 1-2 लाइव स्ट्रीम किया, और भाई मतलब जीरो वॉचिंग आती थी, तो मैं 1 से 2 दिन कर दिए यार, मान गया, मैं बोला कि इसमें अपना कुछ होने वाला है नहीं। तो उसके बाद भाई मतलब ऐसे ही बस 2 से 3 दिन तक अपन लाइव स्ट्रीम किया, उसके बाद अपन हार मान गए और बंद कर दी। उसके बाद भाई वापस से मतलब अपन जब पबजी में आए, तो पहली बात तो ये थी कि भाई अपने पे कोई अच्छा डिवाइस था नहीं, क्योंकि भाई तभी मैं जो ओप्पो का A37 था उस पर खेलता था, जिसकी भाई 2 GB रैम थी। तो भाई मेरे को तब यूट्यूब तो करना था, लेकिन भाई पबजी 2 GB वाले रैम के फ़ोन में भाई हो नहीं सकती, क्योंकि 2 GB में भाई ऐसे ही गेम नहीं चलता, तो भाई स्क्रीन रिकॉर्ड करके और ये सब मतलब हो ही नहीं सकता, ईजी है ही नहीं। उसके बाद भाई मैं अपने पापा का भाई जो फ़ोन रहता है एक रहता था, दूसरा ओप्पो का था कुछ A3s ऐसा कुछ फ़ोन करके, 3 GB रैम वाला फ़ोन था, तो वो फ़ोन में खेलता था। और उसके बाद भाई मतलब वो फ़ोन में कुछ टाइम खेला और मतलब थोड़ा बहुत हाथ बैठाया, उसके बाद पापा ने बोला कि भाई अभी फ़ोन ले लो नया, ये फ़ोन मेरे को दे दो वापस। तो भाई तभी मैं वीवो G1 Pro लिया अपना जो रहता था, तभी भाई इसकी बहुत डिमांड थी, क्योंकि भाई उस टाइम वीवो का कुछ पबजी के साथ कॉलैब चल रहा था, और भाई ये वीवो G1 Pro में कुछ ना कुछ इन लोग ने टूर्नामेंट्स खिलाए थे, तो मैं तभी सोचा कि चलो वीवो G1 Pro सही फ़ोन है और अपने बजट में भी है, तो अपने को ये लेना चाहिए। तो बस उसके बाद भाई अपन ये लिए, और उसके बाद भाई अपन यूट्यूब स्टार्ट किए कंपलसरी। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है विनोद ओपी की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग फैन सर, माय क्वेश्चन इज व्हो इज योर फेवरेट यूट्यूबर एंड योर इंस्पिरेशन। सो फेवरेट यूट्यूबर की बात करें तो अपना जो फेवरेट यूट्यूबर है वो कैरी मिनाटी है, और इंस्पिरेशन की बात करें तो भाई पहले तो मैं मॉडल को देखता रहता था, और उसके भाई वीडियोज एंड लाइव स्ट्रीम देख देख के कुछ ना कुछ सीखता रहता था, और अभी की बात करें तो भाई अभी मैं स्नैक्स की वीडियो देखता रहता हूँ, बिकॉज उसकी जो ड्रिल्स की वीडियो रहती है भाई बहुत हेल्पफुल रहती है मेरे लिए, और काफ़ी कुछ मेरे को नया सीखने को मिलता है उसमें से।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन रिया द गर्ल गेमर की तरफ से, आप गुजरात में कहाँ से हो? तो मैं गुजरात में अमरेली जिले से हूँ। और सेकंड क्वेश्चन, यूट्यूब चैनल बनाने का आइडिया कहाँ से आया? तो मतलब स्टार्टिंग में मतलब ऐसा कुछ था नहीं, मैं मतलब वैसे ही मज़े के लिए यूट्यूब चैनल खोला जब क्लैश ऑफ क्लैन चल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो सब लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ। और एक दो स्ट्रीम करके भाई मैं ऐसे ही छोड़ दिया, मैं बोला कि स्ट्रीम कोई देखने आ नहीं रहा तो भाई करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद जब पबजी आया तो मतलब पबजी आने के साथ ही मेरे पे कुछ अच्छा डिवाइस था नहीं, मैं पहले बता दिया आप लोग को। तो बस ऐसे ही फिर जब अच्छा डिवाइस आया, जब वो जीवन प्रो आया मेरे पे, तो बस ऐसे तब से यूट्यूब कर रहा हूँ मैं। और थर्ड क्वेश्चन है कौन सी क्लास में हूँ? तो मैं ITI कॉलेज सेकंड ईयर में हूँ और एज तो आपको पता ही है 19 साल। और फोर्थ क्वेश्चन, क्या यूट्यूब एज अ करियर है या कुछ और भी करोगे YT के अलावा? तो फिलहाल तो अभी मैं यूट्यूब ही कर रहा और साथ में स्टडीज़ भी कर रहा, तो देखते फिर आगे क्या करते हैं अपन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यूवी गेमिंग की तरफ से, भाई आईफोन लेने के लिए मनी कहाँ से आया? तो भाई मैं पहले ही बता दिया कि 70% तो भाई मेरे को घर से मिला, और बाकी का जो भी 30% बचता है वो भाई मैं खुद से अरेंज किया भाई, जैसे कि पेड पुश किया और ऐसे ही मतलब सब जगह से मिला के भाई बाकी का जो 30% है वो मैं खुद से निकाला। तो बढ़ते अभी अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडेक्स की तरफ से, ब्रो आपके 1K सब्स कितने टाइम में हो गए थे? तो भाई 1K सब्स होते होते 1 साल से ज़्यादा हो गया था, बिकॉज़ कि भाई मैं कुछ एक कंटेंट पे बैठा हुआ नहीं था, मैं कभी भी अपना कंटेंट चेंज करता रहता था, कभी भाई मॉन्टेजेस डालता था, कभी सोलो स्कोर वीडियोज़ डालता था। तो ऐसे भाई जब आपका कंटेंट एक जैसा नहीं रहता तो मतलब पब्लिक को देखना पसंद नहीं आता, और इसीलिए भाई आपके सब्सक्राइबर इतनी जल्दी नहीं बढ़ते। अगर आप भी नए YouTube चालू करना चाहते हो तो भाई मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ नया लाओ YouTube में, उसके बाद ही आप इतनी जल्दी ग्रो करोगे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है MyTech चैनल की तरफ से, रियल नेम क्या है आपका एंड ABS नाम कहाँ से सोचा, इसके पीछे क्या स्टोरी है? तो मेरा रियल नेम है अंजुम ANJUM, बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, तो भाई लोग नाम के ऐसी तैसी ना करते, इसलिए थोड़ा स्पेलिंग बता रहा हूँ। और ABS के पीछे क्या स्टोरी है? तो ABS के पीछे सिंपल स्टोरी है, जब भाई Season 3-2 में ऐसे जब अपन नए नए खेलना चालू किए थे, तो मतलब सब नए नए नाम रख रहे थे, तो मैं बोला कि चलो अपन भी रख दे। तो भाई हमारे यहाँ ऐसा था कि हम लोग नाम के ऊपर ही कुछ ना कुछ ऐसे कुछ अजीब अजीब नाम बना लेते थे। तो मेरा जो ABS नाम है वो भाई मेरा पूरा नाम है, A4 अंजुम, B4 माय सर नेम एंड S4 माय फादर नेम। तो भाई बस ऐसे ABS बना दिए अपन, और भाई सही लग रहा था तो भाई मैं ABS के साथ ही कंटिन्यू किया, बिकॉज कि अच्छा नाम लग रहा था मेरे को। और बढ़ते अभी अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कातिल की तरफ से, भाई जब तुम हैटर्स का कमेंट देखते हो तो तुमको क्या फील होता है? तो इसका सीधा जवाब ये है कि भाई जब भी मैं हैटर्स का कमेंट देखता हूँ तो भाई मेरे को खुशी होती है। अब भाई आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों? तो भाई इसका सीधा मतलब ये कि भाई जब तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हो, भाई कुछ अचीव कर रहे होते हो, तो भाई तुम्हारे सपोर्टर्स तो बढ़ने ही बढ़ने, लेकिन भाई साथ में हैटर्स भी बढ़ने। तो भाई ये भाई कोई नई बात नहीं है भाई, सबके ऐसे ही होता है, सबके भाई हैटर्स मिलते ही मिलते हैं, बिकॉज कि भाई कोई भी नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ो, कुछ करो। तो बस ऐसे ही भाई पूरी दुनिया मतलब से भरी हुई है, तो इसमें भाई ध्यान देने की बात नहीं है, इन सबको इग्नोर करो और भाई अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ अचीव करते रहो। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है धूर बिपिन YT की तरफ से, भाई फेस रिवील कब करोगे? तो भाई ये क्वेश्चन भाई काफ़ी बंदों का क्वेश्चन था, तो भाई इसका फिलहाल सीधा जवाब ये कि भाई फिलहाल तो भाई फेस रिवील का कुछ सोचा हूँ नहीं मैं, जब भी सोचूंगा तो भाई बता दूंगा भाई, जब भी फेस रिवील करना रहेगा तो भाई अपन फेस रिवील कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निशान गेमिंग YT की तरफ से, तुमने अभी तक कितनी इनकम की? तो भाई इसका सीधा सा जवाब है भाई 0 इनकम, बिकॉज कि भाई अभी तक मेरे को यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट भी नहीं आई है। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों? तो भाई अभी तक मेरे को फर्स्ट पेमेंट नहीं मिली है, बिकॉज अगर आपको यूट्यूब का पता रहेगा तो इंडिया में जो भी एड्स चलती है उसका बहुत कम मतलब बहुत कम रेवेन्यू मिलता है। तो भाई अगर आप यूट्यूब चालू कर रहे हो सिर्फ अर्निंग के लिए तो भाई आप पहले ही छोड़ दो, बिकॉज कि आप स्टार्टिंग के 2 से 3 साल तो भूल ही जाओ कि आपको कुछ भी अर्निंग होगा। अगर आप 3 से 4 साल तक कंटिन्यू भाई इसमें लगे रहते हो तो भाई उसके बाद आपकी एक डिसेंट अमाउंट में भाई अर्निंग चालू होती है। अगर आप स्टार्टिंग से अर्निंग चाहते हो तो भाई आप छोड़ दो, यूट्यूब कभी आपसे होगा ही नहीं अगर आप सिर्फ अर्निंग के लिए करना चाहते हो। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉन्ग गेमिंग की तरफ से, भाई ज्वाइन टीम एम। तो भाई जब मैं सीजन 15 में फर्स्ट टाइम कॉन्कर किया था और भाई तभी मैं सोलो के गेम पे डालता था यूट्यूब पे, और मैं यूट्यूब पे वॉन्टेड गेमिंग है फिर एम राजपूत एम, मैंने इन लोग को देखता रहता था यूट्यूब पे।
तो मैं बोला कि मेरे को भी ये क्लैन ज्वाइन करना है एम अचीवर्स, और भाई तभी मेरे पे कोई क्लैन था नहीं अच्छा सा, तो मैं बोला कि चलो इसमें ट्राई देते, और उस टाइम भाई इन लोग के रिक्वायरमेंट भी चालू थे, तो मैं बोला कि चलो अपन ट्राई दे देते, अगर सिलेक्ट हो गए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जब फर्स्ट टाइम ट्राई दिया मैं, तो भाई उस फर्स्ट ट्राई में भाई मैं बहुत गंदा पिटा था, और भाई मैं फर्स्ट ट्राई में सिलेक्ट हुआ नहीं था। तो भाई उसके बाद मेरे को एक मंथ के बाद वापस एक और चांस मिला था सिलेक्ट होने का, और वापस से जब मैं ट्राई दिया तो भाई उसमें भाई अपन आ गए, और अब उसके बाद भाई मेरे को एम अचीवर्स में ले लिया। सो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वो किसी और ने नरेंद्र मोदी जी ने पूछा है, और भाई इनका क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है। तो भाई मेरा फेवरेट कार्टून है भाई पोकेमोन है, और भाई मैं बचपन में बहुत देखा हूँ पोकेमोन, और अभी तो नहीं देखता लेकिन भाई बचपन में मेरा फेवरेट था। और अगर आप नरेंद्र मोदी जी अगर आप मेरा चैनल देखते हो तो इसका मतलब ये भी है कि आप पबजी तो खेलते रहेंगे, बिकॉज कि अगर आप पबजी नहीं खेलते तो भाई आप मेरा चैनल ऐसे तो चेकआउट नहीं करते। तो भाई मेरे को ये बताओ कि अगर आप पबजी खेलते हो तो आप पबजी बैन क्यों कराए, अनबैन कराओ ना यार, बच्चों की जान लोगे क्या। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सिवा सेकर की तरफ से, व्हेन यू आर 40 FPS यू आर डिड यू यूज GFX टूल फॉर 60 FPS। तो भाई पहले तो मैं एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देने वाला था, लेकिन फिर मेरे को लगा कि ये चीज़ मेरे को बतानी चाहिए। तो भाई अगर मैं आपको बताऊँ तो भाई GFX टूल सिर्फ लो एंड डिवाइस के लिए बना है, अगर आपका डिवाइस 3GB है 2GB 4GB है तो भाई वो डिवाइस पे आप GFX टूल यूज़ करो। अगर आपका 6GB रैम है और अगर आपको 40 FPS ही मिलता है तो आप 40 FPS पे ही खेलोगे, बिकॉज अगर आप GFX टूल लगा के 60 FPS करोगे तो गेम अच्छा होने की जगह उल्टा बिगड़ जाता है, बिकॉज GFX टूल ओनली बाय लो एंड डिवाइस के लिए बना है। अगर आपका डिवाइस डिसेंट है तो भाई उसमें गेम अच्छा होने की जगह बहुत गंदा हो जाता है, बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो भाई मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप GFX टूल ना ही यूज़ करो तो बेहतर रहेगा। सो अपना नेक्स्ट एंड लास्ट कमेंट है आरवी की तरफ से, ब्रदर हाउ यू डू टाइम मैनेजमेंट। तो भाई टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ तो भाई मेरा टाइम मैनेजमेंट पहले तो बहुत खराब था, बिकॉज जब मेरा घर से कोई सपोर्ट नहीं था तो भाई तभी ऐसा रहता था कि भाई ज़रा सा भी टाइम मिलता था तो भाई मेरे को उसमें कुछ ना कुछ करना पड़ता था। अगर ज़रा सा भी 10-15 मिनट का गैप मिल जाता था मेरे को, अगर कुछ भी काम रहता तो उसमें भाई मैं ऐसा करता था कि कुछ ना कुछ छोटा काम कर लेता, जैसे कि ऐसे ही बिना वॉइस ओवर के वीडियो एडिटिंग कर लेता था, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर देता था या फिर थंबनेल बना लेता था। तो ऐसे भाई फिर आगे जाके टाइम बच जाता था, तो भाई मैं ऐसे ही टाइम बचाता था अपना और मैनेजमेंट करता था। लेकिन भाई अभी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अभी फैमिली सपोर्ट है तो फिर टाइम का तो फिर मेरे को अभी कोई दिक्कत नहीं रहता, पहले रहता था लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है। सो होपफुली आपको ये वीडियो में सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए रहेंगे। और भाई वापस से मैं एक और बात सूरी कहना चाहूँगा कि जो भी बंदों के मैं क्वेश्चंस नहीं उठा पाया, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइज़।